तो कल था पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच, जिसमें पाकिस्तान ने बड़े शानदार तरीके से अपनी विक्ट्री दर्ज की। क्रिकेट मेडी का एपिसोड भी आ गया, लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। हाँ जी, फिर कैसे गले से पकड़ लिया। देखो होता है ना, मरीज जो होता है वो बिल्कुल लेटा हुआ होता है, वेंटिलेटर का इंतजार हो रहा होता है, यूं प्लग को देख रहा होता है कि कोई वो खींचने वाले, और एक बंदा आ भी जाता है, हॉस्पिटल का दरवाजा खुलता है और बंदा वहां से आ रहा है, मुंह में नकाब फैला हुआ, वो प्लग को पकड़ रहा है, वो नकाब में जो बंदा है ना वो साउथ अफ्रीका की टीम है, प्लग खींचने ही लगा है कि हमने उसको गले से पकड़ लिया। हमने कहा बेटा ना ऐसे नहीं है, वापस खड़े हो गए, मरीज जो है वापस आ गए, ऐसी परफॉर्मेंस दे दी हमने इस मैच के अंदर जो कि साउथ अफ्रीका के साथ हमने खेला है, वापस आ चुके हैं टूर्नामेंट के अंदर। बहुत से लोग हैं वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान के क्या चांसेस है, और बड़ा ही ना पुराना किस्म का जोक जो सब भी पेलते हैं, मैं भी पेलता हूँ, वही बस खाई में गिर जाए, फलाना हो जाए, बारिश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसकी उससे शादी हो जाए, उसकी तलाक हो जाए, रिश्ता हो जाए, तो फिर पाकिस्तान के चांसेस बनेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो जोक है ना वो वक्त आने पर अच्छा लगता है, अब वो ऐसा जोक नहीं है। अब जो संडे को मैचेस हो रहे हैं वो सीधा सीधा क्वार्टर फाइनल है। खैर मेरे तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही पढ़े लिखे इंडियंस हैं जो कि सीबी आर्मी में शामिल हुए हुए हैं, लेकिन बहुत सी मैं पोस्ट वगैरह देख रहा हूँ जिसके ऊपर इंडिया बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। भाई इंडिया इस वक्त नॉकआउट हो सकता है, आप लोग इतना ज्यादा ना उछले यार। अच्छी बात है कि आप लोग टॉप पे हैं, इस वक्त कंफर्टेबल, लेकिन आपको ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये मैच आप लोगों के लिए नॉकआउट है, ये क्वार्टर फाइनल है। अगर आप ये मैच हार जाते हैं तो आप टूर्नामेंट से बाहर निकल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तब दुआ कर सकते हैं कि बांग्लादेश हमसे जीत जाए, उसके बाद भी बात जो है वो नेट रन रेट के ऊपर आ जाएगी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, तो इंडिया जो है उसको अभी भी जो है ये मैच जीतना है, अदरवाइज वो बिल्कुल ही टूर्नामेंट से जा सकते हैं। ये भी नहीं कि कहीं साउथ अफ्रीका वगैरह कुछ हो सकता है, बट खैर मैं ये चाहूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों चले जाएं आगे, जो कि बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इंडिया को भी हराना मुश्किल है जिम्बाब्वे के लिए, और साउथ अफ्रीका को हराना भी मुश्किल है नेदरलैंड्स के लिए, लेकिन ये पूरे टूर्नामेंट में अपसेट ही होता रहा। सो मैं अगर इंडिया की जगह होता ना, या मैं साउथ अफ्रीका की जगह होता, तो मैं कम अज कम थोड़ा सा ना खामोश रहता एक दो दिन के लिए। जो इतना उछल उछल के और अभी भी मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तानियों का, ये कुछ सही बात नहीं है भाई। पॉइंट्स टेबल का गेम भी बहुत उलझ गया, खतरनाक वाला। वैसे साउथ अफ्रीका और इंडिया को ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि उनके पास दो दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा है, लेकिन नेक्स्ट मैच काफी क्रूशल हो सकते हैं क्योंकि इंडिया को खेलना है जिम्बाब्वे से, जिसने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा अपसेट दिया है, और साउथ अफ्रीका तो चलो नीदरलैंड से जीत ही जाएगा, क्योंकि नीदरलैंड इतनी कोई वो टीम नहीं है। मेरे ख्याल में इंडिया भी जिम्बाब्वे से आराम से जीतेगा, आराम से ही जीतेगा, लेकिन एक वो है यार, फिर भी डर है। एक पाकिस्तान के सामने उन्होंने जिस तरह से खेला वो नेक्स्ट लेवल था, और थोड़ा सा डर तो है, लेकिन भरोसा भी है कि इंडिया जीत जाए, लेकिन थोड़ा सा एक डर है। हाँ, थोड़ा सा एक रहता है कि यार अपसेट्स वर्ल्ड कप में काफी कुछ ऐसा हो गया है, और कि वो छोड़ो अपसेट भी छोड़ो, अगर बारिश आ गई, बारिश में मैच धुल गया तो फिर बारिश भी, बाकी फिर भी बारिश आ गई तो भी अपना चांस बनता है, क्योंकि फिर अपने को एक पॉइंट तो मिल ही जाएगा। हाँ, एक पॉइंट तो मिल ही जाएगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के चांसेस कम ही है। अगर इंडिया और अफ्रीका के 80-80% चांसेस है, तो पाकिस्तान के समझो 40% चांस है, लेकिन चांस अब भी है। खैर, कमिंग बैक टू द मैच जो कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का हुआ, तो उसके अंदर मैं बता दूं कि जो पहले 11 ओवर है ना उसके अंदर हमारी चीखें निकलती रही है, और जो अगले कोई 9-1 ओवर से उसके अंदर उनकी चीखें निकलती रही है, बल्कि एंड तक ही उनकी चीखें निकलती रही है। बारिश आ गई थी बीच में, और बारिश के बाद सारा का सारा एडवांटेज चला गया था साउथ अफ्रीका के पास। 20 ओवर तक जो है वो 10 रन रेट को बरकरार रखना और 14 या 15 ओवर से 10 या 11 रन बनाना भी जो है वो उतनी बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास अभी भी विकेट्स हैं। 20वें ओवर तक जो है ना गेम बदल जाती है, एक दो ओवर में बदल जाती है। खैर, मेरी इस बात को जो ना रिकॉर्ड करके साइड पर रख लो कि ये जो गोरा है ना, स्पेशली जो साउथ अफ्रीकन है, वो कम अज कम 3 छक्कों की मार होते हैं। 3 छक्के आप इनको मार देना तो इनके आसान खता हो जाते हैं। तो जिम में जाके ना बॉडी बनाना आसान होता है, लेकिन जिगरा बनाना जो है ना वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। 2 या 3 छक्के लगातार इनको पड़ जाना तो इनके आसान खता हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका जैसी टीम के ऊपर जब हमने हल्ला बोल दिया, जब हम मारना शुरू किए, तो उनके औसान इतने खता है कि उनसे कैचेस भी ड्रॉप होना शुरू हो गए। खैर भाई, पाकिस्तानी टीम इसी तरह की है, वो जिस तरह बच्चों के साथ आर्म रेसलिंग हो रही होती है ना, शुरू में बंदा जो है वो एक्टिंग करके जो है वो हारने की वो कर रहा होता है कि वो बड़ा जोर लगा रहा हूं, फिर अचानक से यूं करके जो है जीत जाता है। उस तरह जो है पाकिस्तानी टीम ने साउथ अफ्रीका के साथ भी किया, शुरू में आउट आउट हो गए, लोग टॉस जीत कर बैटिंग करने के लिए जाते हैं, हम टॉस जीत के ख्वार होने के लिए जाते हैं। टॉप ऑर्डर एक दफा फिर से हमारा फेल हो गया, लेकिन मिडिल ऑर्डर जो है वो छाया हुआ है यार इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। कोई बात ही नहीं कर रहा कि मिडिल ऑर्डर ही बेचारा है, जो थोड़ी बहुत हमारी इज्जत बनी हुई है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर वो मिडिल ऑर्डर के स्कोर्स की वजह से ही है। खुशी की बात यह है कि पाकिस्तानी शेर जाग चुके हैं, ये और बात है कि थोड़ा सा लेट जागे हैं। एक होता है ना कि एक टांग अभी भी टूर्नामेंट के अंदर ही है, बाकी सारा का सारा धड़ जो है ना वो हमारा बाहर निकला हुआ है, तो बस थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा अगर जल्दी जाग देते तो ज्यादा अच्छा होता। वैसे मिडिल ऑर्डर के शेर तो भाई शुरू से ही जागे हुए T20 वर्ल्ड कप में, और ओपनिंग वाले शेर वो पता नहीं कहां किस दुनिया में गायब है। वर्ल्ड कप में आके ओपनिंग वाले शेर सो गए हैं। सो गए, ये बात सही है भाई। इफ्तिखार की बात करें तो क्या परफॉर्मेंस कर रहा है बंदा, इंडिया के अगेंस्ट भी उसने
50 मारी थी और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी उसने बहुत अच्छी 50 मारी और ऐसे टाइम पे आया था दोनों ही मैचों में जब मैच फंसा हुआ था और ख़राब कंडीशन में से अपने टीम को निकाला और ऐसे टाइम में 50 रन बनाए। तो भाई इफ्तिखार की यहाँ पर जितनी तारीफ कर सकते उतनी कम है। साथ में शादाब ने जो आके रन रेट को ऊपर जो लेके गया भाई, ऐसे बैक टू बैक सिक्स मार रहा था, मैंने पहली बार ऐसा खेलते हुए देखा शादाब को। मेरे ख्याल से उसकी फास्टेस्ट सेंचुरी होगी ये, हाफ सेंचुरी। और मुझे लगा ये शायद पीएसएल में 18 बॉल पे मार रखी है उसने, मार रखी है। हाँ। इसमें 20 पे मारी ना, इसमें 20 पे मारी। लेकिन अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो आफ्टर ऑस्ट्रेलिया का स्टोइनिस के बाद शादाब की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी हो गई इस वर्ल्ड कप में, जो कि काबिले तारीफ है और बाकी मानना पड़ेगा बंदे को। सबसे ताजा खबरें ये आ रही है कि भाई सूर्य कुमार यादव जो है वो T20 रैंकिंग के अंदर टॉप के ऊपर आ चुके हैं, नंबर 1 बन चुके हैं। और देखो बात सुनो, हम जो है ना अभी इसके ऊपर कोई इस किस्म की बकवास नहीं करेंगे कि रैंकिंग बकवास होती है, ये होती वो होती, जो कि बहुत से लोग कर रहे थे, बहुत से लोग जिनका बिल्कुल कोई दीन ईमान था ही नहीं रैंकिंग के ऊपर, अब वो कहना शुरू हो गया कि हाँ ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है और रैंकिंग का सिस्टम बहुत अच्छा होता है। देखो हम अभी भी तारीफ करेंगे, मेरे ख्याल में सूर्य कुमार यादव जो है बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर है, जो कॉन्फिडेंस है, जिस किस्म की शॉट प्लेस का है बंदे का, एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन यही मैं बात करना चाहूंगा कि टॉप के ऊपर जाना ही काफी नहीं होता, टॉप के ऊपर रहना जो है ना उसको मेंटेन करना वही सबसे बड़ी बात होती है। कोई भी बंदा जो है वो सक्सेस को एक दफा अचीव तो कर लेता है लेकिन उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है पूरी उम्र। वो लोग जो इस स्टेटस को अचीव कर लेते हैं वही लेजेंडरी स्टेटस के ऊपर जाते हैं। और अगर लेजेंड्स की बात हो रही हो तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अगर कोई नाम आता है तो वो है वसीम अकरम। सही। इसी से मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे जो बाबर आजम थे वो इसी रैंकिंग के ऊपर टॉप के ऊपर रिकॉर्ड दिनों तक रहे हैं, तो ये कोई आसान काम नहीं होता। और अभी जो उसकी इनिंग्स मैंने देखी है इस मैच के अंदर, उससे साफ पता चल रहा था कि वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है और वो स्ट्रगल इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमने इतनी ज्यादा हेट और इतनी ज्यादा जजमेंट उसके ऊपर पास कर ली थी, वो भी तब जब वो टॉप 3 के अंदर था। एक या दो सीरीज बुरी होने की वजह से हम लोगों ने ऐसे उसको राइट ऑफ किया हुआ था और निकाला हुआ था कि वो सब कुछ नजर आया इस मैच के अंदर। बेचारे की कोई टाइमिंग नहीं हो रही थी, बहुत ही अजीब किस्म की शॉट्स वो खेल रहा था और मैंने अभी तक बाबर आजम को इस किस्म की इनिंग्स खेलते हुए नहीं देखा। आई एम हैप्पी कि साउथ अफ्रीका से ये लोग मैच जीते और बड़ी अच्छी तरह जीते ताकि कम से कम बाबर आजम का कुछ कॉन्फिडेंस तो वापस आया हो। और इस कॉन्फिडेंस को डेंट करने के पीछे अगर कोई है ना तो वो हम लोग ही हैं। खैर जो मैच हुए उसके अंदर अगर किसी ने कोई रिवायत रखी ना तो वो हमारे दोस्त हारिस ने रखी है। यार क्या कोई कहां पे था भाई ये बंदा, हमने जो है ना उसको छुपा के रखा हुआ था कि हमारा सीक्रेट वेपन होगा जो कि हम लेकर आएंगे साउथ अफ्रीका के फॉर, अब सही वक्त है कि अब हम इसको यूज कर लेंगे, बस थोड़ा सा लेट हो गए। ये इनिंग्स होती है यार, 29-30 रन की इनिंग्स होती है, जो पता नहीं मैं कब से चीख रहा हूं या T20 के अंदर ये नए माइलस्टोन्स इंट्रोड्यूस करा दिए जाएं, 30 रन्स कर दें बजाय इसके 50s और 100s हम देख रहे होते हैं, 30s, 60s और 100s कर लें यार, ताकि लोगों को जो ना कुछ समझ आ जाए, हमारे कम से कम हमारे बैटर्स को समझ आ जाए कि यार अच्छा 50 नहीं करनी 30 करना है, लेकिन कोई करना है और कुछ नहीं। तो मेरी मैनेजमेंट से ये दरख्वास्त है कि यार आप लोग ही कोई इस किस्म के माइलस्टोन्स अपने प्लेयर्स के लिए बना दें। लेकिन इंपैक्ट भी देखें ना, अगर आप चेज ही 140 रन्स कर रहे हो, आपकी बॉलिंग ने जो है वो रोका हुआ और उसके बाद आप कहेंगे जी स्लो क्यों खेल ले, यार थोड़ी सी अकल होती है, कभी-कभी स्टैट्स भी जो है वो भी डिसीविंग होती है। मैच सिचुएशन के हिसाब से अगर 50 रन 40 बॉलों के ऊपर बनाए हैं तो वो ठीक है, हमारी बेहतरीन किस्म की बॉलिंग है, हम बॉलिंग के ऊपर ही जीतते हैं, हर एक बंदा एक एक दो दो विकेट ले रहा होता है इसलिए उस तरह का कोई शोर नहीं मच रहा होता, लेकिन ओवरऑल जो बॉलिंग की परफॉर्मेंस होती है ना वो दूसरी टीमों को 150 के ऊपर रोक के बैठी हुई होती है और 150 के ऊपर 120 का ही स्ट्राइक रेट चाहिए पहुंचने के लिए। खैर हारिस बॉय ने जो है सर के ऊपर बॉल खाई और वो जाग गया, उसने कहा चलो अच्छा किया तुम लोगों ने मुझे जगा दिया, उसके बाद जो बॉय ने छक्के मारे वो स्कूप मार मार के मेरे दोस्त छक्के मारे, मैं तो यार कसम से हमने तो कभी देखा ही नहीं था पाकिस्तानी प्लेयर्स को इस तरह की हरकतें करते हैं, पूरी दुनिया के प्लेयर्स कर रहे होते हम देख के तालियां बजा रहे थे, अच्छा ये भी होता है क्रिकेट। और मैं ये भी बता दूं कि अगर हमारा ये बॉय जो है ना दोबारा कभी यही स्कूप खेलते हुए आउट हो जाए ना तो हमने इसको इतना ट्रोल करना, हमारे एक्सपर्ट्स ने आगे इसको इतना जलील करना ना कि इस मासूम ने कभी दोबारा हिम्मत ही नहीं करनी इस किस्म की कोई शॉट अटेम्प्ट करने की। वैसे हारिस जो है वो अभी नए नए आए हैं तो अभी इसके बाद जो है हमारे कोचेस की नजर इनके ऊपर पड़ जाएगी और वो उसको ट्रेन करने की कोशिश करेंगे और वो कहेंगे यार अगर तू ये वाली चीज जो है ना अपनी सही कर ले ना, अगर तू इसको इस तरह खेलना शुरू कर दे तो तुझे दुनिया का कोई भी बंदा नहीं रोक सकता, तो वो इसी तरह करते हैं, वो चीज सही करने की कोशिश करते हैं और फिर वो रुकते नहीं है टीम से बाहर। हारिस की इसके बाद जो है किसी ने अगर मोमेंटम जारी रखा था तो वो था नवाज शेडी और मेरा दोस्त इफ्तिखार। यार क्या कुछ जबरदस्त, दुनिया का मेरे ख्याल में टूर्नामेंट का सबसे लंबा सबसे बड़ा छक्का मार दिया मेरे दोस्त ने, तुम लोग मजाक उड़ा लो इसका। वो कहते हैं कि जी कोहली का होम ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया है, मेरे दोस्त इफ्ती का होम ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया, इसके रिकॉर्ड है, ये बॉय जो ऑस्ट्रेलिया की बना गलत जगह के ऊपर पैदा हो गया भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर से। दूसरी तरफ शेडी ने जो 50 मारी यार, कोई 20 बॉलों के ऊपर 50 मार दी यार, इससे ज्यादा कोई बेहतरीन किस्म की इनिंग्स नहीं हो सकती थी जो कि उसने खेली है, क्या खूबसूरत किस्म के छक्के मारे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट
कैप्टन जो उसने दो विकेटें ली हैं उसकी वजह से हम डकवर्थ लुईस के ऊपर जो हमें इतना फायदा हो गया, अदरवाइज वो डकवर्थ लुईस के ऊपर हमें इतना नुकसान होना था कि हम सबने मुंह देख रहा होना था कि यार ये क्या हो गया, 180 रन बनाए हुए हमने और इन्होंने सिर्फ इतना सा टारगेट चेस करना है। जो दो विकेटें उसने ली है ना ऊपर तले एक ही ओवर के अंदर आके ली थी और उसके बाद फौरन बारिश आ गई थी और मैच खत्म हो गया था, अदरवाइज ये लोग जो है वो काफी हद तक आगे ही थे। खैर नमाज ने बहुत ही बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली थी, बहुत ही अच्छी बिल्ड किया था उसने और हिटिंग बहुत अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद जो वो आउट हुआ ना यार वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मतलब उसके अंदर भी फिर अजीब किस्म की अंपायरिंग है, तो इतनी बड़ी इनसाइड एज हुई है और अंपायर साहब ने जो उसको LBW दिया है। उसके बाद हुआ ये कि लोग ये कह रहे थे कि यार अगर चलो इनसाइड एज हो भी गई है तो इसने बैट्समैन ने जो है वो क्यों नहीं लिया, रिव्यू क्यों नहीं लिया, तो पता ये चला कि असल में वो उसी चक्कर में रन आउट भी हो गए थे, तो वो समझे कि मैं रन आउट आउट दिया गया, लेकिन सामने वाला अगर बंदा जो है वो आउट दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपको LBW आउट दिया गया है और आप अगर LBW हो चुके हैं तो फिर आप रन आउट नहीं हो सकते, वो बॉल डेड हो जाती है। यार मैं तो ये गुजारिश करूंगा मैनेजमेंट से कि यार हमारे प्लेयर्स को ना पहले रूल बुक पढ़ाएं, उनको समझाएं, जो पहला मैच था इंडिया वाला उसके अंदर भी सब अपीलें कर रहे थे जब बोल्ड हो गया था कोहली और उसने भाग के 3 रन बना दिए, शाहीन आफरीदी जो है वो आगे जा रहे थे बॉल की तरफ, उसने 1-2 कदम, इतना ही मार्जिन होता है क्रिकेट के अंदर, आपने 1 या 2 कदम लेट या गलत लेने होते हैं और बॉल जो है वो निकल जाती है, इसीलिए उसे 3 रन बनाए थे, अगर वो फौरन बॉल के ऊपर पहुंचा तो शायद 1 रन ही मुश्किल से होना था। हमारी टीम वालों को भी तो रूल्स ही नहीं पता यार कि क्या रूल्स है। दूसरी बात है दूसरे एंड के ऊपर इफ्तिखार खड़ा हुआ, वो बता दे कि भाई तू रन आउट के ऊपर चीखता हुआ जा रहा है यार, ये तो LBW उन्होंने दी है, अच्छा फिर और छोड़ो, बंदे डगआउट के अंदर बैठे हैं वो देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है यार, वो तो पता नहीं यार मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है वहां पर, वो कहते हैं कि यार तू उधर ही खड़ा रहे, 1 मिनट रुक भाई, तू कौन से आउट के ऊपर आया है, LBW पे आया कि रन आउट के ऊपर आया है। सब बातों की एक ही बात, सबसे पहले जो है वो अंपायर को कहना चाहिए ना यार कि आप किस चीज के ऊपर जा रहे हैं, रन आउट के ऊपर जा रहे हैं कि LBW के ऊपर जा रहे हैं। खैर यार बड़ी अजीब किस्म की कंफ्यूजन हुई, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रूल्स का पता होना चाहिए। खैर सबसे ज्यादा किसी से मैं डिसहार्ट होता वो मेरे दोस्त बहुमे से हुआ यार, बहुमे मतलब पूरी टूर्नामेंट जो है तूने किसी के ऊपर रन नहीं मारा, तुझे हम ही मिले थे, हम आए तो हम पे जो अजीब किस्म के कुछ चीता बन के आया हुआ बॉलों पर पड़ रहा है, मैं तेरी इतनी साइड ली, मैंने हमेशा यही कहा है कि नहीं कहा, आप लोग एक गवाह है इस चीज के, इन वीडियो से मैंने कहा कि बहुमे को कभी भी आउट ना करो यार, ये बॉलिंग टीम की तरफ से ही खेल रहा था, स्ट्राइक रेट इतनी लो की हुई होती है यार कि वो अगली टीम को फायदा ही हो रहा था तो उसको आउट करने में नुकसान ही है, बिल्कुल ही पागल हो गया, हमारे पास आया तो ऐसे पुल मार मार के जो है छक्के चौके मार रहा है यार, ये तूने देखो मैच भी हार गए और दूसरा तो मेरे दिल से भी उतर गए। खैर संडे के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है जिसके अंदर अगर एक भी अपसेट हो गया तो पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के अंदर जा रहा होगा। आई नो कि ये कुछ सही अप्रोच नहीं है, हमें जो है खुद हमारी टीम को जाना चाहिए आगे बजाय इसके कि हम ये देख रहे हो कि कौन सी टीम जो है वो किसको हरा देगी, लेकिन फिर भी क्रिकेट फनी गेम है, कुछ पता नहीं चलता, एक बॉल से इधर उधर हो जाती है, ये भी हो सकता है कि कोई भी टीम इनमें से हार जाए और हम लोग आगे जा रहे हो, ये भी हो सकता है कि हम ना जाएं, वैसे ज्यादा चांसेस जाएंगे कि हम लोग नहीं जा रहे, बट कोई नहीं, कम से कम इज्जत के साथ बाहर निकले, साउथ अफ्रीका के साथ जो हमने परफॉर्मेंस दी है वो भी कुछ शेरों की तरह दी है, इसी तरह की परफॉर्मेंस हमें चाहिए थी, कोई बात नहीं है अगर निकल भी जाते हैं तो। वीडियो यहीं पर एंड होता है, ये बात तो है कि भाई जाएंगे तो इज्जत के साथ जाएंगे क्योंकि साउथ अफ्रीका कोई छोटी मोटी टीम तो है नहीं जिसको आप हरा के निकल रहे हो, बड़ी टीम है और उसको हराया है, और अब नेक्स्ट मैच इनका शायद बांग्लादेश से, बांग्लादेश भी पाकिस्तान को काफ़ी अच्छी टक्कर देती है, अच्छी टक्कर देती है, लेकिन देखा गया है कि पाकिस्तान हावी रहती है बांग्लादेश पे, तो अगर बड़े मार्जिन से अगर पाकिस्तान जीतती है तो उनका जो नेट रन रेट है वो ऊपर आ जाएगा, साउथ अफ्रीका से भी ऊपर आ सकता है मेरे ख्याल में। बिल्कुल ये वाला मैच बहुत ही बढ़िया खेले यार, पाकिस्तान लगी कॉन्फिडेंस में, हालांकि विकेट जल्दी गिर गया था लेकिन मिडिल ऑर्डर ने इंडिया में जैसे संभाला था वैसे ही यहाँ पर संभाला, बस हुआ ये कि सिर्फ इफ्तिखार की जगह शादाब और नवाज ने भी रन बना दिए, अच्छा हुआ कि इंडिया के सामने ये दो बैट्समैन और नहीं चले, नहीं तो इंडिया के सामने भी 160 की जगह 180 प्लस बना देते हैं, बना सकते थे, फिर वो ऐसा तो नहीं बोल सकते, फिर वो कहते स्काई आउट नहीं होता तो फिर वो 18 ओवर में चेस कर देता। बाकी शादाब की इनिंग वाकई में मानना पड़ेगा, जो उन्होंने बाद में 2 विकेट लिए उसके नेक्स्ट ओवर में ही जो है बारिश हो गई, अगर वो 2 विकेट 1 ओवर में ना लेते तो शायद पाकिस्तान ये मैच भी हार सकता था, बाकी पाकिस्तान जीत गया क्योंकि शादाब ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करी। आप बताओ आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।